देखिए, कल मैंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछा था और उस सवाल से बौखलाकर योगी जी ने मेरे खिलाफ दिल्ली में FIR करवा दी। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आप एक नहीं 1000 FIR करा दीजिए और मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं। आपको तो मैं साहसी आदमी मानता था कि आप कुछ साहस का परिचय देंगे। आपने कायरता दिखाते हुए वहां मुकदमा कर दिया सवाल पूछने के जुर्म में। आप एक नहीं 1000 मुकदमे लिखा दीजिए, मैं यहीं लखनऊ में बैठा हूं। लेकिन जो सवाल है दबे कुचले लोगों का, बेसहारा लोगों का, उनके हक में सवाल पूछता रहूंगा। और आज भी मेरा सवाल यही है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति को भूमि पूजन के कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जब आदरणीय रामनाथ कोविंद जी देश के महामहिम राष्ट्रपति बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चिल्ला कर कहती है हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी दलित वोट के लिए दलित को राष्ट्रपति तो बना सकती है लेकिन दलित के साथ बैठ के भूमि पूजन नहीं कर सकती, दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करा सकती। यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, यह योगी जी की मानसिकता है। इस कार्रवाई से पूरे देश के दलितों में भारी गुस्सा है, रोष है, नाराजगी है। दलितों का अपमान किया गया है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आपने अपमानित किया है, भूमि पूजन के कार्यक्रम में नहीं बुलाते। मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं, राज्यपाल बुलाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए जाते? इसके पीछे मनसा साफ है, मानसिकता साफ है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को मंदिर में प्रवेश का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ बैठ के पूजा नहीं कर सकती है। और इसलिए मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, FIR से डराने की कोशिश मत कीजिए। आपके मुकदमों और FIR से मैं डरने वाला नहीं हूं। और साहस का परिचय दीजिए, कायरता का परिचय मत दीजिए। FIR दर्ज कराना है तो मैं लखनऊ में बैठा हूं, मेरे खिलाफ यहां FIR कराइए और मुझे गिरफ्तार करके जेल में भेजिए। लेकिन मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल फिर वही है और ये सवाल मैं बार बार दोहराता रहूंगा कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में आपने देश के महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब दलित को वोट बैंक के लिए राष्ट्रपति तो बना सकते हैं लेकिन दलित के साथ बैठ के पूजा नहीं कर सकते, दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं दे सकते, दलितों को उनका समान अधिकार नहीं दे सकते। आप आज भी उनको 75 साल की आजादी के बाद भी उनको अछूत समझते हैं? देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, अभी भी आप उनको अपने से दूर रखना चाहते हैं? तो जो कुछ भी बीजेपी को करना है वो करे, लेकिन जो हमारा सवाल है वो सवाल जारी रहे। संजय जी, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जो लोग रखे गए हैं सदस्य, उसमें दलित रखा गया है, ये सरकार का कहना है। इसके अलावा जो प्रसाद गया है भूमि पूजन का, वो सबसे पहले दलित परिवार को ही दिया गया है, तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो और अपमान है। इसका मतलब आपके मन में चोर था, इसका मतलब आपकी मानसिकता में खोट था, इसका मतलब भाजपा को लगा कि उनसे कोई अपराध और गलती हो गई, इसलिए भूमि पूजन करने के बाद दलित के घर प्रसाद भेजने की नौटंकी कर सकते हैं, प्रसाद भेजने का ड्रामा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को बुला के भूमि पूजन क्यों नहीं किया? आप इसका जवाब दीजिए ना।
इस आरोप के पीछे सीधा सीधा प्रमाण है, और वो प्रमाण ये है कि यही वो भारतीय जनता पार्टी है। जब आदरणीय रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो पूरे देश में घूम घूम के कहती है हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, इसलिए कि वो दलित समुदाय से। और दूसरा प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है उत्तर प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, राज्यपाल को बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जाता? इसलिए कि वो दलित हैं। उनके साथ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा नहीं कर सकते, भूमि पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसमें अपमानित महसूस करते हैं, वो समाज को आज भी अछूत मानते हैं। ये मानसिकता भारतीय। आपने ये भी कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य उस कार्यक्रम में नहीं बुलाए गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो गए थे कार्यक्रम में। केशव प्रसाद मौर्य की एक भी फोटो मुझे दिखा दीजिए जहां प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठ के उन्होंने भूमि पूजन किया हो। एक फोटो दिखाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री के साथ नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे आप बताइए। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य जी का मुद्दा छोड़िए, वो ज्यादा बोलेंगे तो उनके लिए भी परेशानी हो सकती है। मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? इसका एक कारण भारतीय जनता पार्टी बता दे। इस सवाल के जवाब में आपको आपके ऊपर FIR किया गया, तो आपकी पार्टी की रणनीति अगली क्या है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, 1 नहीं 1000 मुकदमा लिखाइए, 1000 FIR कीजिए। और योगी जी, मैं तो आपको समझता था कि आप अपने आप को बड़ा वीर और साहसी कहते हैं, आपने दिल्ली में मुकदमा लिखवाया, आपने लखनऊ में क्यों नहीं मुकदमा लिखवाया? भाजपा के नेता दिल्ली में मुकदमा लिखवा रहे हैं, लखनऊ में क्यों नहीं लिखवा रहे? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लखनऊ में मुकदमा लिखवाइए, जेल भेजिए, गिरफ्तार कीजिए और मुझसे पूछताछ कीजिए। मैं 1 नहीं 1000 कारण बताऊंगा और साबित करूंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, कैसे उसकी मानसिकता दलित विरोधी है। अब कीजिए तो कार्रवाई। अब मुकदमा दिल्ली में लिखवा रहे हैं, लखनऊ में क्यों नहीं लिखवा रहे? सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है। जमीन पे जब अधिकार देने का, सम्मान देने का मामला आता है तो मैं फिर दोहराऊंगा, दलित को वोट बैंक के लिए राष्ट्रपति तो बनाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बैठ के मंदिर में पूजा नहीं कर सकती। मैं फिर दोहरा रहा हूं।